मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं विंध्य भारत। दुनिया में कई तरह के जानवर होते हैं। कुछ इंसान पालतू बनाकर घरों में रखता है तो कई से दूर ही रहना पसंद करता है, लेकिन इंसानों ने अपने फायदे के लिए इन जानवरों के इलाकों में घुसपैठ कर ली है। नतीजा अब ये जानवर इंसानी एरियाज में आकर उन पर अटैक कर देते हैं। इंसान ने नदियों को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। मछलियाँ पकड़ कर बेचते हैं और इससे अपना घर चलाते हैं। नतीजा इन मछलियों से अपना पेट भरने वाले जानवर जैसे मगरमच्छ अब इंसानों पर हमला करने लगे हैं। ऐसे ही एक अटैक की न्यूज बीते दिनों इंडोनेशिया से आई है। मछुआरा नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ रहा था, लेकिन तभी उस पर 26 फीट के मगरमच्छ ने अटैक कर दिया। इस हमले में मगर ने शख्स को समूचा निगल लिया। आसपास के लोगों ने इस घटना को देखा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग मगर को मारने के लिए दौड़े, लेकिन वो शख्स को लेकर पानी की गहराई में चला गया। करीब 3 दिन की खोज के बाद मगर को नदी से पकड़ा गया, जिसके बाद शख्स को उसके पेट से बाहर निकाला गया। घटना के बारे में बताया जा रहा कि हादसे में मारा गया शख्स 3 बच्चों का पिता है। वो नॉर्थ कलीमांटन प्रांत के नुनुकान रीजेंसी के रोमाजा नदी में मछली पकड़ रहा था। ये मगरमच्छ काफी समय से मछुआरे को स्टॉक कर रहा था। मौका मिलते ही उसने 45 साल के समसुल बहरी खींचकर पानी में ले गया। वहां उसने शख्स को जिंदा ही निगल लिया। शख्स को निगलने के बाद वो नदी की गहराई में चला गया। मौके पर इस घटना को देखने वालों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने जानकारी मिलते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसने नदी का कोना कोना तलाशना शुरू किया। इसमें ये बात सामने आई कि नदी में ऐसे कई विशालकाय मगर भरे हुए हैं। सर्च नदी से 13 और 16 फीट के बड़े बड़े मगरमच्छ मिले। इसी दौरान 3 दिन की तलाश के बाद आखिरकार आमदखोर मगरमच्छ को भी पकड़ लिया गया। उसके पेट पर काफी प्रेशर डालकर उसे उल्टी करवाई गई। इसमें इंसानी शरीर के कई हिस्से गले सड़े बाहर निकले। कंफर्म किए जाने के बाद इन्हें शख्स के परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। बता दें कि इंडोनेशिया में ऐसे कई आदमखोर मगरमच्छ मिल चुके हैं। इन्हें इंसानी मांस की आदत हो गई है, इसलिए ये इंसानों पर मौका मिलते ही अटैक कर देते हैं।